तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारी चैनल टेक्निकल अरवल में। तो आज मैं आपको फिर एक और ड्राइंग लेकर आ चुका हूं और वो ड्राइंग है आपका एलिवेशन का ड्राइंग है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया है जो कि एक बंगलो का ड्राइंग है। तो बंगलो में एक एलिवेशन होता है, तो आपको सारा चीज़ ड्राइंग का स्टडी करना पड़ता है। पहले तो आपको जो लेआउट का प्लान होता है, फाउंडेशन का प्लान होता है, वो आपने देख लिया। उसके बाद आपका वर्किंग प्लान में ये सब एलिवेशन आता है। फिर उसके बाद आपका बीम का स्ट्रक्चर मिलेगा। उसके बाद फिर आपका सारा चीज़ का जो प्लान में एक ये भी इंक्लूड होता है जिसको हम कहते हैं एलिवेशन। तो एलिवेशन को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको मैं आपका ये ड्राइंग खोल कर लेकर आ गया हूँ। ठीक है, ये आपका जो पूरे बंगला का फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन है। इसका मैं आपको ब्रोशर के साथ अगर दिखाता तो और बेस्ट होता, लेकिन फिलहाल में मैं इस वीडियो में पहले आपको फ्रंट एलिवेशन का पूरा रीडिंग करवा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको ब्रोशर कोई अलग वीडियो में बना दूंगा, तब आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि आखिर एलिवेशन को हम कैसे समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के और समझते हैं। अगर इस पर आप नज़र डालते हैं तो यहाँ पे आपका ये जो कर्सिव मेरा जाएगा, इसको देखिएगा, ये फ्रंट एलिवेशन हो गया। ठीक है, ये वाला फ्रंट एलिवेशन हो गया। अब ये जितने पार्ट दिख रहा है आपको, होल पार्ट, ये जो पार्ट आपको जितना दिख रहा है, ये टोटल आपका क्या आएगा, ये आपका एलिवेशन में आएगा ये वाला। तो जैसे बिल्डिंग जब ये बनेगा तो आपका इस टाइप से एलिवेशन दिखना चाहिए पूरे बिल्डिंग में। तो ये कैसे हम समझेंगे कि आखिरी एलिवेशन कैसे दिखेगा। ये जो आपको कॉलम दिख रहा है, देखिए ये कॉलम, ये दो कॉलम, यहाँ से एक तीन और ये एक चार। ठीक है, ये टोटल चार कॉलम ग्राउंड फ्लोर पे है। फ्रंट में आपको ये सो होना चाहिए। ठीक है, ये जो चारों कॉलम है ये आपका सर्कुलर कॉलम है चारों। इसका डाया जो है आपको सो होगा वर्किंग प्लान में, जो आपको वहाँ पे मेंशन रहेगा, जो कॉलम का आपको ये वो मिलेगा ड्राइंग। तो कॉलम में आपका इसका साइज और हाइट मेंशन रहता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको ये देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से इसका हाइट रखना पड़ेगा और इस कॉलम का साइज रखना पड़ेगा। तो फ्रंट में आपको ये चारों कॉलम तो होना ही चाहिए। और ये जो हाइट है यहाँ से बेस बनाकर जो खड़ा किया गया, ये भी आपका वर्किंग प्लान में मेंशन रहेगा कि आपको कितना बेस इसके ऊपर बनाना है, उसके बाद कितना से आपको कॉलम खड़ा करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये जो पार्ट हो गया ये आपका क्या है, ये आपका एंट्री है। यहाँ से स्टेयर चढ़ेगा, ये एंट्री है। ठीक है, और ये आपका मेन गेट रहेगा। ठीक है, यहाँ से मेन गेट है और ये पार्टीशन रहेगा ब्रिक वॉल का। और ये जो है आपका, ये पार्टीशन है, यहाँ पे एक विंडो प्रोवाइड किया गया। जैसे देखिए विंडो हम क्यों इसको कह रहे हैं, क्योंकि सील लेवल के बाद यहाँ से आपका एक जो है छोड़ा हुआ है वैकेंट स्पेस, तो इसे हम विंडो कहेंगे। ये जो है आपका सील लेवल से ही स्टार्ट किया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डोर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ से सेंटर कटा हुआ है, जहाँ से हमने जो वर्किंग प्लान में था, जैसे कि जो आप कॉलम का लेआउट करवाए होंगे, तो वहाँ से एक सेंटर कटा होगा। तो यही सेंटर काटा हुआ है यहाँ से 2 फुट 5 इंच के बाद, मतलब 2 फुट 5 इंच के बाद आपको ये कॉलम को फिर खड़ा करना है। ठीक है, 12 फुट तक, यहाँ तक देखिए 12 फुट तक आपका एक छत आ जाएगा, 12 फुट छत आ जाएगा। उसके बाद फिर ये कॉलम जा रहा है 12 फुट तक। ठीक है, तो 12 फुट तक दूसरा छत आ जाएगा, मतलब कि ये 24 फुट आपका जो है कॉलम को पूरा खड़ा करना है। ग्राउंड से सेकंड फ्लोर में ये टच करेगा, मतलब कि एक फ्लोर का हाइट जो दिया गया है 12 फुट दिया गया है और दूसरे फ्लोर का भी हाइट 12 फुट है। तो 12 दूनी 24 फुट तक आपका ये कंटिन्यू कॉलम जाएगा, ये दो, ये चारों कॉलम जो है आपको 24 फुट तक कंटिन्यू कॉलम जाएगा और ये सेकंड फ्लोर में जाकर आपका टच होगा। तो आपका ये इस टाइप से एलिवेशन दिखेगा फ्रंट में चार कॉलम का। उसके बाद सेकंड पे जाते हैं तो फिर 12 फुट पे हमारा क्या आ जा रहा है, एक और रूफ आ जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे हाइट मेंशन किया हुआ है, फ्लोर टू फ्लोर, मतलब कि छत का छत लेवल, ये इसे बिलो से टॉप जो है छत का आपका जो लेवल रहेगा वो आपका 12 फुट रहेगा। तो ये आपका 12 फुट पे छत है, तो जाहिर है कि 12 दूनी 24 फुट तक आपका कॉलम को दोनों को खड़ा करना है। तो मैं कन्फर्म हो गया हूँ कि ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि मतलब इसे कैसे फ्रंट एलिवेशन देना था। अब एक और एलिवेशन इसमें आते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है ये आपका वेस्ट साइड का एलिवेशन है, मतलब कि ये जो है पश्चिम साइड में आपका इस टाइप से पूरे बंगला दिखना चाहिए। जैसे ये एलिवेशन का मतलब ये होता है कि जो आपको एज अ ड्रॉ कर पेज पे दे दिया गया है, वो जिधर आपका डायरेक्शन शो किया गया है उसके हिसाब से ये पूरी चीज़ आपको
दिखना चाहिए। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, पहले हम डायमेंशन बाद में देखेंगे, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये आपका वाटर टैंक है जो सबसे टॉप छत पे रहेगा। ये वाटर टैंक का साइज जो है आपको दिया रहेगा वर्किंग प्लान में, कितने साइज का वाटर टैंक बनाना है, और हाइट जो है आपका ये एलिवेशन में ही शो किया रहेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाटर टैंक है टॉप से बॉटम जो है ये अगर काउंट यहाँ से करते हैं तो 36 फुट तक ही होना चाहिए, और 36 के बाद 12, तो 36 से 2 38 से 10 48 फुट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए ग्राउंड से आपका टॉप में वाटर टैंक, ठीक है। उससे ज़्यादा जाएगा तो ये आपका लोड किया हुआ है, इसके हिसाब से आपका स्ट्रक्चर किया गया, इसके हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, इससे एबव नहीं जाना चाहिए, बस वहीं तक इसे होल्ड कर कर रखना है, ठीक है। उससे आप 2 फुट 3 फुट 4 फुट ऐसे बढ़ाकर आप नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये खिलाफ़ है रेरा का भी, और जो आपको डिज़ाइन किए उसके भी ये खिलाफ़ है। तो ये मतलब इसका ये हुआ। जैसे ही हमने अब देख लिया यहाँ पे वाटर टैंक के बाद आपका ये फ्लोर का लेवल स्टार्ट हो गया, फिर नीचे आते हो तो यहाँ आपका ये और फ्लोर हो गया, उसके बाद फिर ये दो चार कॉलम आपको दिख रहा है, ये आपका जो है फ्रंट का एलिवेशन वाला दिख रहा है, ठीक है। ये वाला जो है फ्रंट में जो हमने देखा था ये आपको एलिवेशन दिख रहा है यहाँ पे, ये चार कॉलम, ठीक है। तो ये पूर्व वाला ये आपका फ्रंट था, और फ्रंट के बाद आपका वेस्ट साइड चला गया है, तो जो पश्चिम के साइड में आपको ये दिखना चाहिए, पश्चिम साइड में टोटल ये। तो ये जो आप पार्ट दिख रहा है ये आपका सारा विंडो का पार्ट है, ये कंटिन्यू एक दो और एक तीन विंडो है, मतलब कि जाहिर है कि यहाँ पे कोई रूम है तो कंटिन्यू एक ही फेस में तीनों विंडो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ये कोई हॉल टाइप से होगा तो यहाँ पे एक विंडो प्रोवाइड किया गया है, और ये जो है आपका यहाँ पे भी एक रूम होगा, चाहे जो भी कुछ हो टॉयलेट वगैरह यहाँ पे भी एक विंडो प्रोवाइड किया गया। तो ये सब आपको दिखना चाहिए वेस्ट साइड में। उसके बाद ये रेलिंग है फ्लोर के बाद, ये भी आपका रेलिंग है, और ये जो है आपका ये डिजाइन है, कार्निस का डिजाइन है, इसका भी सेक्शन काटा हुआ है आपका यहाँ पे, देखिएगा तो सेक्शन ए भी आपको नज़र आएगा। तो ये इस टाइप से बनेगा, ये सब जो ये जो दिख रहा है इस टाइप से बनेगा, कौन सा ये वाला, ये सब बनेगा, ये वाला बनेगा डिजाइन, ठीक है। ये आरसीसी भी बन सकता है या फिर आपको कॉर्नी से भी इसका डिजाइन आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये दोनों समझ गए, फ्रंट एलिवेशन भी समझ गए हम, और इसके बाद आपका वेस्ट साइड का भी एलिवेशन को समझ गए। अब हम बात करते हैं इसमें और एक चीज़ है जो, तो सेक्शन एट एस टू पर हम एक बार नज़र डालेंगे, ठीक है। यहाँ रहा ये, तो ये इसमें आपको क्या रहेगा, सेक्शन जो कटा हुआ है लास्ट में आपको टेरिस शो किया गया है, ये तीनों एक फेस में टॉयलेट का मेंशन किया गया है, ये टॉयलेट का जो साइज रहेगा, अब मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपका वर्किंग प्लान में मेंशन रहेगा है कितने साइज का टॉयलेट रखना है, ठीक है, कितने साइज का ड्रेसिंग रूम रखना है। तो ये बगल में जस्ट टॉयलेट के बगल में आपका ड्रेसिंग रूम रहेगा, यहाँ पे आपका ड्रेसिंग रूम रहेगा। इसके बाद आपका ये जो फेस दिख रहा है, जाहिर है ये स्टेयर का फेस दिख रहा है, ये ऊपर में टेरिस है, और ये जो सेकंड फ्लोर का ये फेस दिख रहा है, और यहाँ पे आपका क्या है, स्टडी रूम रखा गया है, ये स्टडी करने वाला रूम बनाया गया है, ये सेक्शन में था, ठीक है। और अगर इस सेक्शन को समझते हैं तो आपको इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो मैं बना दूंगा इस पर, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। अगर फिर भी किसी तरह का क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, कोई मन में डाउट हो, तो आप हमें कॉमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं सारी कॉमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।